नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी। मैं अमर बड़ी मिश्रा कैमरामैन संदीप के साथ। बमनान का एरिया है ये, और यहाँ से फेस टू फेस जो दो कैंडिडेट यहाँ पे आए हुए हैं, हमको लगता है प्रदेश का एक लौता ये नगर पंचायत होगा जहाँ पे आपको प्रत्याशी दो पार्टी के, जो मुख्यतः प्रदेश की पार्टियाँ हैं दो पार्टी, वो बीजेपी और सपा, यहाँ तक कि आप कह सकते हैं कि बसपा का एक भी प्रत्याशी नगर पंचायत बमनान में बसपा या तो उतार नहीं पाई या तो उसको प्रत्याशी मिला ही नहीं। कांग्रेस का जैसा कि लोग बाग बताते हैं, सूपड़ा साफ है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे बमनान नगर क्षेत्र से एक उनको प्रत्याशी नहीं मिला कांग्रेस और बसपा का उत्तर प्रदेश में। ये हाल है, दो मुख्यतः पार्टियां सपा और भाजपा। भाजपा यहाँ पे चूंकि अपने फॉर्म में कह सकते हैं जवानी में है, यहाँ से एक नवयुवक को ही, नौजवान को ही अपना प्रत्याशी बनाया हुआ है। नाम है प्रबल मलानी जी। प्रबल मलानी जी यहाँ से उम्मीदवार हैं नगर पंचायत बमनान अध्यक्ष के। उनसे बात करना चाहते हैं कि कैसे, और पहले बात तो टिकट ही कैसे पाए, ये भी आप सुन लेते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? प्रबल मलानी। प्रबल मलानी जी, आप यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष एक्चुअली हमने ऐसा क्यों कहा बता रहे हैं, अभी हम कुछ देर पहले गए थे वार्ड नंबर 7 और आपके मार्केट में, वहाँ पे हमको कुछ ही लोग ऐसा मिले जो कि प्रबल मलानी को ना छोड़ के सही को बोले, नहीं तो बहुत सारे लोग ये बोले। आपसे क्वेश्चन दो है, बीजेपी में टिकट के लिए बहुत सारे लोग गए, इसमें आपका इतना प्रबल क्या चीज रहा प्रबल मलानी जी कि आपको ही टिकट मिल गया? ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद। आपका कुछ नहीं था, उन्हीं का आशीर्वाद रहा, मुझे मिला। मैंने तो जो कुछ किया उनके लिए किया, बाकी उनका आशीर्वाद रहा, मुझे मिला, मिल गया टिकट। तो टिकट पाना ही बीजेपी से भाई इस टाइम में बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर प्रबल मलानी जी अपनी प्रबलता दिखा के टिकट लेके आए हैं, हमको एक चीज और समझ में नहीं आया। आप प्रत्याशी में पूछ लेते कि जैसे यहाँ पे फेस टू फेस की लड़ाई है सपा और भाजपा की, आपको क्या लगता है कि कितना आप अपने आप को कहाँ पाते हैं इस लड़ाई में? लड़ाई की स्थिति ये है कि सामने सामने की लड़ाई है और जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, लड़ाई हम जीतेंगे। लड़ाई जीतेंगे, अब कितना वोट से प्रबल जी? अब इसका अंतर जनता बताएगी। अच्छा, एक चीज और बताइए प्रबल जी, जैसा कि अभी हमने एक आइडियो सुना है आप ही के क्षेत्र में आके, जो कि आपके बारे में या आपके लोगों के बारे में, जो यहाँ के चेयरमैन है उनकी कुछ आइडियो ऐसे आई है जो बहुत, उन्होंने यहाँ के बनिया वर्ग को गाली दी है, ठीक है, और ये बाकी इसका जवाब हमारे बमनान की जनता उनको देगी। उसके बारे में आप कहना क्या चाह रहे हैं? बस यही कहना, सारा जवाब 13 तारीख को आपको मिल जाएगा। जब आप कुछ नहीं बताएंगे, अब इसमें मैं क्या बोलूँ? आप ऑडियो को सुनिए, उसका विश्लेषण करिए, जनता से पूछिए, यहाँ के बनिया समाज से पूछिए। नहीं, जैसे देखिए वो अपना 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 जो उनका अपना था जो विचार, ये वो तो वो प्रकट किए। आपकी भी जो ऑडियंस होगी, आपकी जो जनता होगी, जो प्रबल जी को मोहब्बत करती होगी, वो भी कुछ सुनना चाह रही होगी कि प्रबल जी आखिर इसका जवाब वही जनता दे देगी। प्रबल जी को कुछ नहीं करने की जरूरत है, प्रबल जी को करने की जरूरत नहीं, सारी जनता खुद प्रबल बनकर काम कर रही है। प्रबल जी इससे पहले कितनी बार चुनाव लड़े? ये मेरा दूसरा चुनाव। दूसरा चुनाव, दूसरे चुनाव में आपको लगता, हमको लगता है कि प्रबल जी एकदम पक्के राजनेता बन रहे? नहीं जी, यहाँ की जनता बना दी है भाई। जैसा कि आप लोग सुने, प्रबल जी से कभी कभी अभी एक बार बैठ के बात करेंगे, इनसे कुछ पहलुओं पे और जानना चाहेंगे, क्योंकि इनका अभी शेड्यूल व्यस्त है, विधायक जी भी आए हुए हैं, बाद में बात करेंगे। लेकिन आप लोग इनकी बातों को सुन के आप लोगों को पक्का पता चल गया होगा कि ये बहुत पक्के वाले नेता बनेंगे आगे। एक एक बातों में ना सटीकता थी, कोई इधर उधर नहीं था, आपको एक एक शब्द आप ही के ऊपर बता दिए, आप ही को जवाब देना है 13 तारीख को। आपके जवाब का जनता लड़ रही है, यही आप मान के चलिए भाई। बता दिए प्रबल जी, बता दिया हमने, ऑडियंस आपकी सुनेगी,
जैसा कि मुलानी डाले के जिंदाबाद जिंदाबाद मुलानी ठीक है। अभी आप लोग जैसा कि सुने प्रवर मुलानी जी को, जैसा कि वो सटीकता से बोले या कहे, एक बार आप लोग उनको जरूर सुनिएगा। आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमर वड़ी मिश्रा कैमरामैन संदीप के साथ।